अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जा रहे, खुश रहे, बाद रहे हमेशा की तरह। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो फिर ही व्लॉग शुरू करते हैं हम। के आगाज़ में ही हम कबूतरों की तरफ आए हैं, अपने कबूतर दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले जी इनके बच्चों को संभालते हैं और फिर आपको बाकी कबूतरों का शौक कराते हैं। ये देखें जी बच्चे, और इन पर भी मच्छरों ने अटैक किया हुआ, बच्चों बेचारों पर भी। ये देखें आप, क्लियर हुए हैं आप देखें। बच्चे ग्रोथ तो इनकी सही हो रही है, लेकिन इन्हें भी दाने निकले हुए हैं। और उसके अलावा आज सैड न्यूज़ भी है। पहले आप कबूतरों का शौक काट लें, फिर आपको बताता हूँ मैं। ये जी कबूतर इधर इकट्ठे हुए बैठे हैं और इनका दाना पानी भी डालते हैं। अभी दाना भी नहीं पड़ा और पानी भी नहीं पड़ा, दोनों ही डालते हैं हम। अब मैं इनका दाना पानी डाल लूँ तो फिर ही आपसे मिलता हूँ मैं। ये जी पानी जो है वो भर चुका है, अब इसे लेके चलते हैं जाल में और डालते हैं कबूतरों को। पानी इनका डाल लिया, अब इनका दाना ले आते हैं, दाना इन्हें डालते हैं। ये जी दाना मैं लेके पहुंच चुका हूँ, अब इनके डालते हैं दाना। ये जी दाना मैं इनका डाल रहा हूँ और कबूतर सारे इंतज़ार में बैठे हैं दाने की, क्योंकि डरते हैं। अगर डरते ना होते ना तो इन्होंने अभी आ ही जाना था दाना खाने। और दाना इनका मैंने डाल लिया सारे। और अब ये आपको बताता हूँ जो बैड न्यूज़ है आज। बैड न्यूज़ ये है कि हमारा एक कबूतर इधर से गायब है, इनके दरमियान में नहीं है आज इन सारों के साथ, क्योंकि वो सुबह टाइम हमारे से निकला है और उड़ गई है, अभी तक तो नहीं आया। और आपको दिखाता हूँ किस तरफ उड़ा था वो कबूतर हमारा। निकल के इस जाल के ऊपर बैठा रही है पहले, और फिर इस तरफ से उड़ा है, इधर का इधर से होता हुआ इस तरफ गया और फिर गायब हो गया। और हमारा छाक है दरख्तों पे, लेकिन दरख्तों से मिलना होता तो अब तक वापसी आ गया होता जाल पे। जाल पे भी नहीं आया वो, ना ही दरख्तों पर हमें कहीं नज़र आया। और अभी तक तो यही है कि हो सकता आ जाए, लेकिन घर का हिला हुआ नहीं था तो मुश्किल ही है उसका वापसी आना। और ये देखें जी कबूतर दाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं साथ साथ, और कबूतर अभी तक वापसी नहीं आया। उम्मीद भी छोड़ी खड़े हैं अब तो हम कि वापसी आए, क्योंकि एक दफ़ा चला गया और घर का हिला हुआ नहीं था। अगर हिला हुआ होता तो वापसी ज़रूर आता वो। और को अपने तोतों का भी शौक करा देता हूँ, जो छोटे तोते हैं हमारे वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जी हमारे छोटे तोते हैं, और इनका पेड़ एक का तो लग गया, कन्फर्म होगी। और इनके लिए आज हमने गाजरें रखी हैं और बिनियाँ। देख लें तोते इधर बहुत खुश फिर रहे हैं। और ये वाला है, ये पेड़ लगा हुआ है, बाकी ये वाला पेड़ अभी नहीं लगा। और इनका दाना पानी हो चुका है और इन वालों का भी हो चुका है, रोटी भी इन्हें डाल दी, अभी ये गाजर भी खाई बैठे हैं। ये वाला तो अभी गाजर खा रहा है, इसने ख़त्म भी काट लिया है। और आपने इनका नाम बताना है हमें लाजमी, इनका हम नाम रखेंगे, आपने लाजमी बताना है हमें कमेंट में, कोई अच्छा सा नाम हो इनके हिसाब से, वो भी छोटा सा नाम, जैसे ये खुद छोटे हैं ना वैसे नाम भी छोटा हो इनका। मेरे जहन में भी है नाम, तो फिर कल की वीडियो में बता दूंगा आपको इंशाल्लाह कि मैं क्या नाम रखता हूँ। और नाम प्यारा होगा और बेहतरीन होगा इनके हिसाब से होगा। और उसके अलावा जी इन तोतों का तो हमने वैसे ही रखा हुआ है, मिठू तोते हैं ये, और इनका कोई नाम नहीं है, इनका भी नाम रख देंगे। पहले इनका नाम रखेंगे फिर ही दूसरों का नाम रखेंगे हम। और ये देखें जी यहाँ पर फूल ही फूल निकले हुए हैं हमारे बगीचे में, इन्हें कल पानी लगाया था। और उसके अलावा इधर भी फूल हैं इस साइड में, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इधर देखें यहाँ भी फूल निकला हुआ है एक, और इस बोतल के अंदर भी एक फूल निकला हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है।
यानी कि मैं कामयाब हो चुका हूँ। और ये देखें जी पीछे कितने प्यारे लग रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे साथ मेरे। और उसके अलावा जी ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये बेल हमारी ऊपर ही जा रही है, मेरा इरादा है इसने इस दीवार पे सारा फैला दें इस दीवार पे, क्योंकि बहुत अच्छी लगेगी, सारा दीवार पे ग्रीनरी होगी ना तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी, इरादा तो है मेरा। और अभी थोड़ी सी और बड़ी हो ले तो फिर इसे करेंगे, क्योंकि अभी छोटी, अभी इसने नहीं आना इधर, बड़ी हो जाएगी फिर इसे करेंगे। और ऊपर इधर से तो प्यारी लग रही है, नीचे से बहुत गंदी लग रही है, क्योंकि सिर्फ नीचे से सिर्फ इसकी डंडी है, पत्ते वगैरह नहीं है ना, पत्तों से ही तो खूबसूरती है, और ये फूल वगैरह तो इस पर लगते नहीं। और ये देखने जी यहाँ पर भी फूल निकले हुए हैं। और मेरा ये इरादा इन सारों का एक दफ़ा उखाड़ के नई लगाई जाए इधर, दोबारा से इनकी ज़मीन तैयार करके, मिट्टी तैयार करके। और ये देखें ये जो सूख गई थी ये भी माशाल्लाह से दोबारा फूल निकाल रही है, ये देखें जी छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं इस पे भी। और ये जो केले का जो पौधा है इसमें से और पत्ता भी निकल रहा है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है, ये निशानी होती है कि इधर से पत्ता निकल रहा है। और अब जी मैं यहाँ पर ना टमाटर लगाने लगा, क्योंकि हमारे पास टमाटर थे दो, एक वो ना गल चुके थे और यानी पकाने के काबिल नहीं थे, तो मैंने सोचा इधर लगा देते हैं, वो आएंगे तो फिर चलो घर के हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए टमाटर। तो अभी इसके लिए ज़मीन थोड़ी सी बनाई है, इतनी एक काफ़ी होगी, और इनमें टमाटरों को अंदर लगा देते हैं और आपको वो भी तरीका दिखा देता हूँ मैं टमाटर लगाने का। ये जी ये टमाटर हैं, ख़राब हो गए हैं बिल्कुल ही, बू आ रही है इनसे, ये ऐसे इन्हें आधा आधा काट लिया। और ये जी अंदर बीज हैं पड़े, वैसे हम लगा देंगे, दूसरे वाले को इधर लगा देंगे ये ऐसे। और गैस के ऊपर मिट्टी दे दी है, और ये है पड़ा, इसे भी इधर रखते हैं, ये इसके लिए हो चुका। और ये इसे हमने ऐसे आधा आधा कर लिया, आधा इधर हो चुका है और आधा ही हम इधर लगा देंगे मिट्टी, क्योंकि पानी लगाया था ना कल, तो मिट्टी ऐसे जैसे ज़्यादा गीली है गारे की तरह। और ये हो चुका है सारा मुकम्मल, अभी से पानी लगा देंगे हम। ये जी अभी से पानी लगाने लगा, थोड़ा थोड़ा पानी लगा देते हैं इसे, फिर बाद में रूटीन के साथ लगता रहेगा, जब दूसरे पौधों को लगेगा तब इसे भी ये पानी लगा दिया, उम्मीद तो है हो आएंगे ये। जी हमने अभी ग्रेपफ्रूट खाए हैं, तो ये इनके बीज हैं, तो इन्हें मेरा इरादा इधर ही लगा देते हैं हम अपनी क्यारियों में। अभी हमने टमाटर भी लगाए हैं, हो सकता है हो आए, चलो गार के चलो पौधे हो जाएंगे फिर खाने के लिए। अभी इधर छः टोटल 9 बीज हैं, तीन तीन करके हम लगा देते हैं, तीनों में से कोई एक बीज तो होगा ही सही, ये लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये हो गया। और ये जो तीन है छः के छः ही उठा लेते हैं, इन्हें अब अलग लगाते हैं थोड़ा दूर इनसे, ताकि आपस में इनकी अड़ान भी ना बने। और इन्हें हम जी इधर लगाएंगे यहाँ पर इस नुक्कर पे, इस चार की यहाँ पर ये मैंने इनकी जगह बना लिया, ये तीन इधर लग गए, ये बंद हो गया ऊपर से। अब इन तीनों को लगाना है हमने, इन तीनों को मेरा इरादा इधर लगा दें यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि कल पानी लगाया था ना तो ज़मीन हर जगह से ऐसे जैसे गारा और कीचड़ उसी तरह की हुई हुई है, यहाँ भी लग गए हैं ये। चलें जी अब ये हो आएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, बाकी ये हम निकाल देते हैं। ठीक है जी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।